दोस्तों, पूरी दुनिया में जानवरों की अब तक खोजी गई 8.7 मिलियन प्रजातियों में से कुछ जानवर तो बहुत प्यारे होते हैं और कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को देखते ही उन पर धावा बोल देते हैं। ऐसे कई मौके आए जब न चाहते हुए भी इंसानों का वाइल्ड एनिमल से एनकाउंटर हो गया। आमतौर पर जंगली जानवरों से सामना होने पर इंसानों की डर के मारे कंपकंपी छूट जाती है, जिसके बाद जानवर उन पर हावी होकर हमला कर देते हैं। एनिमल एनकाउंटर सीरीज के पार्ट 5 में द वायरल नामा आपको कुछ ऐसी लाइफ सेविंग टिप्स बताने जा रहा है, जिन्हें फॉलो करके आप जंगली जानवरों के सामना होने पर उनके हमले से बच सकते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके पास ही लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिश्र के हरगाड़ा के एक समंदर में स्विमिंग के दौरान इस बंदे का एक विशाल टाइगर शार्क से एनकाउंटर हो जाता है। शार्क को अपने करीब पाकर ये बंदा घबरा जाता है और उससे बचने के लिए तेज रफ्तार से स्विमिंग करके भागने लगता है। ये देखकर शार्क और गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने नुकीले दांतों से दबोचकर अपना निवाला बना लेती है। इस बंदे की घबराहट ही इसकी मौत की वजह बन गई। जबकि शार्क से सामना होने पर अगर वो बहुत दूर है तो तैर कर भाग कर दूरी बनाए, लेकिन अगर वो बहुत नजदीक है तो भागने की गलती न करें, बल्कि वर्टिकल शेप में खड़े हो जाएं। इसके बाद भी अगर शार्क हमला बोल देती है तो उसके सेंसिटिव ऑर्गन जैसे आंख वगैरह पर जोर से मुक्का मारें, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप उसके अटैक से बच जाएंगे। ये जंगली भालू जंगल के पास बने इस गांव में घुस जाता है, जिसे देखते ही वहां कोहराम मच जाता है। कुछ गांव वाले इसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भालू के भड़कीले तेवर देखते हुए वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन तब तक भालू भड़क चुका था और गुस्से में आकर इस शख्स पर हमला बोल देता है। हालांकि इस हादसे में उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर उसे ये टिप पता होती तो वो भालू के अटैक से भी बच सकता था। आमतौर पर भालू अपने बचाव के लिए हमला करते हैं, वो भी बहुत ही रेयरली। ज्यादातर ये लोगों को अकेला पाकर हमला करते हैं, इसलिए जंगल सफारी के दौरान हमेशा ग्रुप में रहिए। फिर भी भालू से सामना हो जाए तो न तो घबराएं और न ही भागने की कोशिश करें, क्योंकि 30 मील पर किलोमीटर की रफ्तार से भागने वाला भालू आपको अपना शिकार समझ बैठेगा। भालू से एनकाउंटर होने पर अपनी गर्दन को हाथों से कवर करते हुए जमीन पर गोलाई में लेट जाएं और मरने का नाटक करें। इस दौरान भालू आपको हिला डुला सकता है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप उसे उसके मुकाबले कमजोर और छोटे दिखे तो यह तय है कि वो आप पर हमला नहीं करेगा। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यहाँ कई बार शेरों से इंसानों का एनकाउंटर होते देखा गया है। यहाँ भी सड़क पर एक शेरनी अचानक स्कूटर सवार इन लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद पीछे बैठी महिला इतनी घबरा जाती है कि भगवान का नाम जपने लगती है। हालांकि शेरनी ने उन पर तो हमला नहीं किया, लेकिन जब ये गांव से निकली तो वहां मौजूद लोग हक्के बक्के ही रह गए। शेर 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और हर साल 500 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए एनिमल किंगडम के इस किंग से एनकाउंटर होने पर दौड़ने का ख्याल तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहें। खुद को बड़ा दिखाते हुए अपनी जैकेट या शर्ट को दोनों हाथों से ऊपर करें और पूरी ताकत से चिल्लाएं। इससे आप शेर को मुश्किल शिकार लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। यहाँ ये बंदा बोटिंग एंजॉय करते हुए मछली पकड़ रहा है। मछली को कांटे में फंसा कर ये जैसे ही रस्सी खींचता है, वैसे ही मछली की जगह एक मगरमच्छ बाहर निकलता है। फिर तो बंदे की हालत देखने लायक थी। इसी तरह ये आदमी भी कांटे में मछली को पकड़कर पूरी ताकत से उसे बाहर खींचता है, लेकिन यहाँ भी मछली की जगह मगरमच्छ बाहर आता है।
अब इसे कांटा न तो छूटते बन रहा और न ही पकड़ते, बेचारा। इस तरह कभी आपका सामना भी मगरमच्छ से हो जाए तो ये लाइफ सेविंग ट्रिक जान लीजिए। अगर मगरमच्छ जमीन पर आपके पीछे भाग रहा हो तो जिगजैग तरीके से भागकर आप इसे पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो पानी में आपके पीछे पड़ा है तो आप उसे हरा नहीं सकते। ऐसे में एक ही उपाय बचता है, वो है बिना डरे उसका सामना करना। ऐसी सिचुएशन में मगरमच्छ के सेंसिटिव हिस्सों जैसे आंख और गर्दन पर वार करें, इस तरीके से आप उसके चंगुल से छूट सकते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें 2 से 3 हजार किलो वजनी यह हिप्पोपोटेमस अचानक दौड़ते हुए इस कार के आगे आ जाता है और इतनी जोर से टक्कर मारता है कि कार में बैठे लोगों की कपकपी छूट जाती है। अपने साम्राज्य में इस नाव को देखकर यह हिप्पो इतना चिढ़ गया कि बोट के पीछे ही भागने लगा। हालांकि बोट की तेज रफ्तार के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, इससे सैलानियों की धड़कनें तो जरूर बढ़ गई थी। अगर आपका भी कभी हिप्पो से सामना हो जाए तो इनसे भिड़ने का तो सोचिए भी मत, बल्कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे छुपकर या पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में ही भलाई समझें। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में ये टूरिस्ट जीप रोककर इस रेनो की फोटोज ले रहे थे, तभी अचानक ये रेनो भड़क जाता है और उनकी जीप के पीछे भागने लगता है। इसी तरह यहाँ भी इस गैंडे ने सफारी जीप में सवार लोगों की खटिया ही खड़ी कर दी, जो अपने इलाके में जीप को देखकर भड़क जाता है और गुस्से में आकर इस जीप का पीछा करने लगता है। आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे गैंडा, लेकिन इस जीप का ड्राइवर काफी एक्सपीरियंस निकला। उसने गैंडे के गुस्से को फौरन भांप लिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगा। कुछ देर तक तो गैंडा उनके पीछे भागता रहा, लेकिन बाद में थक कर रुक गया, जिसके बाद गाड़ी में सवार सैलानियों की सांस में सांस आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 से 2700 किलो वजनी होने के बावजूद रेनो 50 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसीलिए इन्हें देखते ही या तो किसी पेड़ पर चढ़ जाएं या फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे छिप जाएं। बस इसी तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प है, जिसमें अपने कुत्तों को कंगारू से बचाने की कोशिश के चलते कंगारू उस पर भड़क जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई में कंगारू जमीन पर गिर जाता है और ये शख्स अपने बचाव में कंगारू के ऊपर बैठ जाता है। अगर आपका भी कभी कंगारू से सामना हो जाए तो घबराएं कतई नहीं, बल्कि हल्की खांसी करना शुरू कर दें। इससे ये आपको कमजोर समझकर आप पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल इंसानी खांसी उस आवाज से मैच करती है जो कंगारू समर्पण दिखाने के लिए करते हैं। ऐसा करने के बाद इनकी तरफ अपना मुंह रखते हुए इनसे आई कांटेक्ट हटा लें और धीरे धीरे दूरी बना लें। थाईलैंड के एक नेशनल पार्क में हाथी के गुस्से का एक वीडियो वायरल हो गया। दरअसल इस हाथी को तब गुस्सा आया जब उसके पीछे चल रही एक कार उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद गुस्साया हाथी मुड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को पलट दिया। इस हादसे में कार को तो काफी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। वैसे हाथी एक फ्रेंडली एनिमल होता है, लेकिन इनको परेशान करने पर ये अनकंट्रोल्ड होकर एग्रेसिव हो जाते हैं। आमतौर पर जब हाथी के कान पीछे की तरफ और उनकी सूंड मुड़ी हुई हो तो समझ जाना चाहिए कि वो हमला करने वाला है। अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो दोनों हाथ ऊंचे करके जोर से चिल्लाना शुरू कर दें। ऐसा करने से हाथी का ध्यान बंट जाएगा और आप उसके गुस्से का शिकार होने से बच जाएंगे। अब जरा गुस्से से तिल मिलाए सांड का तांडव तो देखिए, जो इस गाड़ी को उल्टा कर देने पर आमदा हो गया है। यहाँ तक कि एक दो बार तो गाड़ी को इतना ऊंचा भी कर देता है कि गाड़ी में बैठे लोगों की चीखें ही निकल जाती है। इस बुल ने तो गाड़ी का काफी नुकसान कर डाला। अगर आपका भी ऐसे ही किसी गुस्सेल बुल से एनकाउंटर हो जाए तो भाग कर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे छिप जाए। अफ्रीका के युगांडा में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ जो हुआ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। फोटोग्राफी के दौरान
एक विशालकाय गोरिल्ला गुर्राते हुए इस फोटोग्राफर के पास बैठ जाता है। गोरिल्ला की डरावनी आंखें और मिजाज देखकर इस बंदे की सांसें ही हलक में अटक जाती हैं। लेकिन ये फोटोग्राफर बिना घबराए धैर्य से काम लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद गोरिल्ला अपने आप वहां से उठकर चला जाता है। गोरिल्ला से कभी सामना होने पर भागने या भिड़ने की तो सोचना भी मत, क्योंकि 8 फीट ऊंचा और 227 किलो वजनी गोरिल्ला आपको हिलने तक का मौका नहीं देगा। इससे बचने के लिए बिना हरकत किए नीचे झुककर जमीन से नजरें गड़ाकर गेंद की तरह सिकुड़कर बैठ जाएं। ऐसी पोजीशन में बैठें जिससे कदमें गोरिल्ला से कम दिखें। इन टिप्स को फॉलो करके आप उसके हमले से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानवरों से एनकाउंटर होने पर काम आने वाली लाइफ सेविंग टिप्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप आगे भी एनिमल एनकाउंटर सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।